हाजिर हैं, हमारी सबकी मोस्ट फेवरेट होती है, तो मैंने कहा आज आपको इसकी थोड़ी थोड़ी इंग्रीडियंट बना दूँ। वैसे तो डब्बे से भी बहुत इजीली बन जाती है, पर मैंने कहा चलो आज आपको घर के मसाले भी बताऊँ। तो उसके लिए 3-4 साबित लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची और छोटा सा टुकड़ा जाफर का, थोड़ी सी साबित जीरा जो था काला होना है वो, बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल और ये छोटी सी पिपली, इससे टेस्ट आएगा निहारी का। और ये तेज़पत्ता, साबित धनिया, सौंफ, काली मिर्च, लौंगे और बड़ी इलायची, ये सब हो गया। उसके अलावा सौंठ की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैंने सूखी अदरक और लहसुन 3-4 जब इसका मैं डायरेक्ट पेस्ट पीसूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसकी पोटली बना के इसमें डाल दें, वो भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, या आप इसको पीस के इसमें डाल दें, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो मैं आज आपको दोनों तरीकों से बताऊँगी। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि मैंने इन सब मसालों को पहले भूनूँगी थोड़ा सा, देन उसको थोड़ा मैंने कूट लेना है। और इधर मैंने तेल गरम किया, उसमें प्याज डाली है, अब मैं अदरक लहसुन ताज़ा क्रश करके इसमें डालूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसमें आधा किलो गोश्त डाल दिया है भून का, फ्रीजर में था इसलिए जमा हुआ है, आपको पता है कैसे होता है कि हमें। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है, फिर ये थोड़ा भुन जाएगा, इसका गोश्त की जो होती है हैरान वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। वैसे तो निहारी बनाना बहुत ईजी है, आप सबको ही आता है, और अब इसको पढ़ते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3-4 दफ़ा पढ़ लें तो खाने में भी बरकत हो जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको नई नई ट्रिक्स और बताऊंगी जिससे हमारे खाने में फ़ायदा हो, आपको भी और पकाने में भी फ़ायदा हो। थोड़ा सा गोश्त भून जाए, देन आई विल टेल यू क्या हमें आगे क्या करना है। ये देखिए तेल में ये अच्छा सा भुन गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मसाला था इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च भी और 1 चम्मच नमक डाल दी। ये मसाला समझे निहारी मसाला इस तरह का रेडी हो गया आपके पास, सही है, और ये बाज़ार का मसाला, ठीक है। अब इसके अंदर तो ये दाची वगैरह भी होती है, तो मैं थोड़ा सा ये इसके अंदर ऐड करूँगी जब निहारी के दाँत में, तो उससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि इसको पानी में घोल के डालेंगे, वरना लम्प बन जाते हैं, ठीक है। हमारी बेटी साहबा इनको बड़ा शौक है मिक्स करने का, मिलाओ भाई, थोड़ा थोड़ा उसको पानी डालूँगा क्योंकि गले ना, तो मिलाइए अच्छे से भरिए। हाँ, अब ये इस तरह अब निहारी का मसाला एडिट रेडी हो गया। ये मेरे पास बदावा मसाला है, ये मैं रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। अब इस मसाले को हम इसमें डाल के अच्छा सा भूनेंगे काफ़ी देर तक, इतना के गोश्त की जो पन और कच्चा पन है मसालों का वो सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आपको मसाला कम लगे थोड़ा सा और डाल लीजिए अपने लिहाज से, अगर मिर्चें कुछ कम लगे, नमक कुछ कम लगे, ठीक है। अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया, गोश्त भी आप देखें बिल्कुल भून चुका है। आइडिया फॉर ये देखें, ये मैंने इसको भून लिया, आप देखा सारा पानी उसको या तेल ऊपर आ गया। अब ये मैं इसके अंदर गोश्त के गलने के लिए पानी डालूंगी, जैसे गलता है जितनी देर में गोश्त गल जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें वही जो आटा डलता है जो आपके घर में रेगुलर आटा पकता है, रोटी पकती है, लाल आटा है तो बहुत अच्छा है, लाल आटा नहीं है तो नॉर्मल आटा डाल दें, ठीक है। अब ये 2 घंटे के लिए आराम से इसको हम छोड़ देंगे। शादी रह गई थी ना, तो अब देखिए इसमें उबाल आ गया, तो हमने जब गोश्त गल गया अब हम इसके अंदर ये आटा घोल के डालेंगे, कोई भी आटा जो आप अपने घर में रोटी पकाते हैं, ठीक है। जितना थोड़ा सा इतना कि जैसे आटा गाढ़ा हो जाए, मैंने 3 टेबल स्पून आटा लिया, उसको पानी में घोला है, सबको ही पता होगा आजकल, साथ में मैंने थोड़ा तेल गरम कर लिया, बच्चों को पूरी पूरी बना के दे रही हूँ। मेरा बेटा जो है उसको पता है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा और पानी मिला दूँगी। इससे होता है कि अच्छे से लम्ब खत्म करके डालें, वरना जो है तो फिर ऐसा लगता है कि आपने जो ना वो डाल। बघार लगेगा और बच्चों को भूख लगी है, थोड़ी पूरी बना दी जाए, सिंपल पूरी बहुत ईजी है, ये घर में बच्चों को शाम को बना के दे देती हूँ, आप भी बनाए। थोड़ा सा आटे का पेड़ा लें, नॉर्मल आटा जो आप घर में अपने पकाते हैं उसको भून लें नमक ते पानी के साथ। बच्चों को शाम में भूख भी तो बहुत लग रही होती है ना, कुछ दे दें, बाजार का ना हो अगर अवेलेबल उसका,
और इकोनॉमी में भी आपके घर के बजट, छोटी छोटी पूरियाँ बनाएं जैसी भी बने, बच्चों को अच्छी लगती है। बस इसको तेल गरम किया, तेल में डाला, बच्चों को अच्छी लगती है खाने में भी। सोचा जब तक ये न्यारी हो रही है, बच्चों को जरा पूरी बना के दे दूँ, भूख लग रही है शाम का टाइम है। शाम में अक्सर ना मैगी बनाती हूँ, नॉर्मल आटा, जैसे मुझे रोटी पकानी होती है रात को, उसको मैंने रोटी की तरफ भेला छोटे छोटे, और उसको गर्म तेल में बस डाला थोड़ा सा तेल, ताकि ज़्यादा ऑयली भी ना हो, बच्चे शौक से खा लेते हैं पूरी की तरह का फ्लेवर आता है। बिल्कुल ईजी, कोई इसका टाइटनिंग नहीं है, तेल डालना है घी डालना है बेकिंग सोडा, बिल्कुल आसान है। मेरी खाला सास बहुत अच्छी और वो बनाती है, उनको देख के मैंने सीखा, अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल है। तेल निचोड़ लें आजकल की महंगाई में, बच्चों जब पूरा दोपहर में फरमाइश कर रहे हैं शाम में क्या बनाए, तो बस उनको ही बना के दे दें। साथ साथ न्यारी भी बन रही है, पूरी भी बन रही है, बच्चे भी खुश, आप भी खुश। न्यारी बस माई गीली हो जाएगी, उसको बघारी लगा देंगे और